कितने दूर जा सकता है और वापस आ सकता है, यानी कितने कितने दूर सरहदें थी, वहां से क्या लोग आए थे। हजरत अबू बकर को लोगों ने चुना, तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को चुन लिया। हजरत उमर जाते वक्त एक कमेटी बना दी, तीनों की जो जो खिलाफते हैं तीनों का तरीका इंतखाब मुख्तलिफ है। फिर अमीर शाम आ गया, अमीर शाम के लिए जब हजरत उस्मान ने बुलाया था तो वो नहीं आए, कोई मदद नहीं भेजी है। अगर उसके बाद ये कहना मौला अली से ये कहना कि आपने हजरत उस्मान की शादी कराई है या आप उसके जिम्मेदार हैं, ये बात चौथे नंबर पर भी जाकर मौला अली को खलीफा मानने के लिए वो तैयार नहीं था। माविया ने अपने आप को पेश किया था, वो ये बात थी। ये एक तारीखी ऐसा बोल बलाइया है जो साफ वादे तो नजर आती हैं, लेकिन आप तारीख पढ़िएगा तो उसमें ये होगा इन पर किसी को हक नहीं पहुंचता था, ना जनाबे हसन की सुरों तक बात पहुंची। ये हुआ ही इसलिए कि बुनियादी खिश्त अवल जो ने आदमी मारकर, ये बुनियाद ही इसकी गलत है। वो मानने को तैयार ही नहीं थे। सही बात है जी जी, बहुत मेहरबान, जज़ाकअल्लाह। मौला अली का किसी सूरत में कबूल नहीं करना चाहते थे, खा उसके बाद कोई और भी हो जाता, वो कतल नहीं जाते, कतल नहीं जाते। वरना मरकज से सूबा टक्कर नहीं ले सकता। आप देखते हैं कि कहीं भी मरकज के साथ सूबा टक्कर नहीं ले सकता, और वो भी 43 वर्षों में कितने कितनी बार उनको डिमोशन हुई है वगैरह वगैरह, लेकिन ये तारीख की बहुत मेहरबानी। जज़ाकअल्लाह, बिल्कुल वजह फरमाया महसूस है सैयद ने कि तारीख की बड़ी गहराइयाँ हैं, और जो शख्स हक का मुतलाशी है, टाइम खत्म हो रहा है, बिल्कुल आखिरी लम्हात है, जो शख्स हक का मुतलाशी है सबसे पहले वो जो तासुब की ऐनक अगर लगाई हो तो उसको तोड़ दे, बिल्कुल तोड़ दे उसको, बिल्कुल उसको फारिग करे। उसके बाद अगर वो जो है वो खुद जाए की तरफ, करे। हाँ, तहकीक करे, तासुब से नहीं हो सकता, कहने की जरूरत ही नहीं है। आखिर वजह क्या है अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मौलायत का, तुमने जो है वो उनके उसमें आने का तुम्हें क्यों बार है, तुम क्यों उसको एग्री नहीं होते, समझ में आ जाएगा कि वो असल वरना फिर उनसे ज़्यादा आलिम काबिल और ऐसी कोई ज़ात पेश करे ना। मैं भी यही कहने वाली थी, जहाँ हम नहजुल बलागा के वो चंद खुतबात हैं जो नहजुल बलागा में सैयद रज़ी ने, वो बेशुमार मौलाना, ये नौबत ये आ गई थी कि वो नबी का भाई इस काबिल भी नहीं था कि चौथे नंबर पर भी उनको खलीफा मंजूर होता। नहीं देखें, ये इनको ये नहीं कहना चाहते हैं, हम यही कहते हैं कि उनसे बड़ी शख्सियत पेश करें। मैं यही कह रही हूं कि उनसे आलिम शख्सियत पेश करें, उनसे ज्यादा शुजा शख्सियत पेश करें, उनसे ज्यादा जो है कोई सलूनी का दावा करने वाला पेश करें तो भी देखते हैं। जब वो तमाम चीज़ों से जाहिर हो रही हैं निशानियाँ कि ये खुदा के बरगुजीदा चुने हुए हैं, तो फिर नहीं मानेंगे तो फिर ये जो सरगर्दानी है, जिधर जाते हैं जख्मी ऊँट की तरह लोग पत्थर मारते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, ये चलता रहेगा जब तक उम्मत तौबा नहीं कर लेती और दरे हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम पे वापस नहीं आ जाती, और मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मौलायत इख़्तियार नहीं करती, और गदीर के मामले को अगर उस भुला याद नहीं करती और उस पर अमल पैरा नहीं होती तो सरगर्दानी रहेगी। बिल्कुल जनाब जी नाज़रीन, एक शेर के साथ आपसे ज़्यादा हम चाहेंगे। आज हो गया रवाना आले नबी का सफ़ीना, दीन को बचाने चला हर एक नगीना, जहरा की बेटियों के महमल भी साथ हैं, कलियाँ उदास हो गईं वीरान मदीना। जी नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मंडे के दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।